नमस्कार दोस्तों, आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं नए वीडियोस बनाने की। मेरा नाम समीर देशकर, नागपुर से बिलोंग करता हूँ मैं। तो आज हम देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमें क्या खूबी लाती है, हमें क्या नए नए चेंजेस लाती है। तो जैसे हम कहीं नौकरी करते हैं, एज ए बॉस हैं हम कहीं, या कोई बड़ी पोस्ट पे हैं और हमारे नीचे दो तीन कर्मचारी है, या फिर हमारा दुकान है और दुकान में हम काम कर रहे हैं, हमारे नीचे दो तीन काम करने वाले लोग हैं, कर्मचारी है दुकान में भी काम करने वाले, तो हमें क्या होता है, बॉसगिरी की भावना उत्पन्न होती है। हम सिर्फ आदेश देते हैं और आदेश का पालन हो जाता है। लोग हमारी टीम है ने, हम अगर नौकरी कर रहे हैं तो हमारे जूनियर हमारे आदेश का पालन कर रहे हैं, हमारा ऑफिस हम अगर कहीं हमारा दुकान है तो हमारे कर्मचारी हमारा आदेश का पालन करते हैं। लेकिन जब हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आते हैं और जब हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में लोगों से मिलते हैं, लोगों को जब हमारा बिजनेस बताते हैं, तो हमको 10 में से एक लोग हाँ, एक पर्सन हाँ बोलता है, बाकी 9 लोग नहीं बोलते। इसी तरह से जब आप 100 लोगों के पास जाओगे और 100 लोग आपको जब नहीं बोलेंगे तो, और 101 के पास जब आप जाओगे वो आपको हाँ बोलेगा, तो जब आपको ना पहचाने की आदत जो आती है ना आप पचा सकते, वो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के थ्रू ही। क्योंकि ना पचाना बहुत बड़ी चीज है, ना पचाते आना चाहिए। अगर किसी ने हमको ना बोला तो हमको उसको पचाते आना चाहिए, हमको उसको समझना चाहिए कि क्यों, मैंने ना बोलने के बाद भी हम उस चीज को आगे कंटिन्यू कर पाए उस बिजनेस को। तो ये शक्ति सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज ही आपको दे सकती है, और कोई इंडस्ट्री या और कोई बिजनेस नौकरी ये शक्ति आपको दे नहीं सकती। तो थैंक यू, राधे राधे।